वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स सो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने आई हूँ बहुत सारी वैकेंसीज लेकर यहाँ पर हम बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो कि यूपीएससी के थ्रू निकाली गई हैं एफएसएल दिल्ली में है एंड ये सारी की सारी वैकेंसीज आपके लिए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए आई हैं एंड बहुत सारे ब्रांचेज में हैं बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं फोरेंसिक साइंस लैब में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके एंड आप सभी के सभी अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग इस फील्ड के लिए इस पोस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई कर देंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आपके सामने वैकेंसीज आई हैं ये दो वैकेंसीज हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट में एफ एस एल डेली में ठीक है तो एफ एस एल डेली में दो वैकेंसीज़ आई हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए बैलिस्टिक्स डिपार्टमेंट में एंड यहाँ पर अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर आपसे मास्टर्स डिग्री मांगी गई है फिज़िक्स मैथ्स या फिर फोरेंसिक साइंस की फील्ड में एंड इसके अलावा साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपके पास फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स या फिर फोरेंसिक साइंस आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने कर रखा हो इन फील्ड इन ब्रांचेज में ठीक है इसके अलावा आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एनालिटिकल मैथड्स या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस वो सारा का सारा आपका इसमें मांगा गया है तो अगर आपके पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड इसके अलावा यहाँ पर कुछ डिजायरेबल भी है डॉक्टरेट डिग्री तो वो आपके पास है तो आपसे उससे आपको एक्सपी उससे आपको एक प्रेफरेंस मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा यहाँ पर एक और वैकेंसीज आई है ये सिक्स वैकेंसीज़ हैं आपकी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स बायोलॉजी डिपार्टमेंट में फ़ोरेंसिक साइंस लैब दिल्ली में ठीक है इसमें भी आपसे जो मांगा गया है वो मास्टर्स डिग्री मांगी गई है जोलॉजी बॉटनी एंथ्रोपोलॉजी लाइफ साइंस बायो केमिस्ट्री जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस इसके साथ साथ आपने जो ग्रेजुएशन किया हुआ हो वो आपका जोलॉजी बॉटनी या फिर फॉरेंसिक साइंस इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए तो आप अगर आपके पास इन सारी की सारी इनमें से किसी भी एक में आपने मास्टर्स या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फील्ड के लिए एप्लीकेबल होंगे इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होंगे इसके साथ साथ आपसे थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है एंड डिज़ायरेबल में वही आपका डॉक्टरेट डिग्री मांगी गई है तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है थ्री ईयर्स का एंड आपने मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन कर रखा है इन सब्जेक्ट्स में में से किसी भी एक में तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इससे आपको आ, आ, इस फील्ड में आप एप्लीकेबल होंगे ठीक है इसके अलावा अगर हम आगे और बात करें तो यहाँ पर फाइव वैकेंसीज आई हैं एंड ये जो फाइव वैकेंसीज आई हैं ये आपके सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एफ एस एल डेली में ही आई हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है यहाँ पर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री या फिर टॉक्सिकोलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस में विद केमिस्ट्री आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए इसके साथ साथ एक्सपीरियंस जो है वो आपका फाइव इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में केमिस्ट्री या फिर टॉक्सिकोलॉजी में ठीक है अगर आपके पास ये है तो आप इस फील्ड के लिए एप्लीकेबल होंगे इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे डिजायरेबल में वही आपसे पी की डिग्री मांगी गई है तो अगर आपके पास वो है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगा ठीक है थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस सी एफ एस एल या एफ एस एल अगर ये आपके पास है तो वो आपका डिज़ायरेबल है ठीक है फिर अभी हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ और वैकेंसीज़ आई हैं एंड ये जो वैकेंसीज़ हैं ये फोर वैकेंसीज़ हैं आपकी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में एफ एस एल डेली में ही ये भी वैकेंसीज़ हैं एंड यहाँ पर जो आपसे मांगा गया है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वो मास्टर्स डिग्री है फिज़िक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस फोरेंसिक साइंस इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन लेवल में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री या फिर फोरेंसिक साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर आपके पास बी ई बी टेक या फिर ये और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं तो इनमें से आप किसी में भी आपके पास अगर कोई भी ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे ठीक है इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड थ्री ईयर्स का एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए इसके साथ साथ डिजायरेबल में डॉक्टरेट डिग्री बोली गई है तो वो आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा ठीक है फिर हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी आई है जो कि आपकी फाइव वन वैकेंसी है फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एफ एस एल डेली में ही ये भी वैकेंसीज आई हुई हैं एंड इसके साथ साथ जो आपसे यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है इन साइंस फील्ड में एंड इसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में फ्रॉम आ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन में इसके अलावा आपसे थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है अलग अलग ब्रांचेस में विन फोटोग्राफी इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस ऑफ साइंस टिफिक फोटोग्राफी विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इट्स टेक्निक्स ठीक है तो आपके पास ये पूरा एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं एंड इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आपके पास एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो ठीक है फिर अभी हम आगे चलते हैं एंड यहाँ पर कुछ और वेकेंसीज़ भी आई हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में एफ दिल्ली में थ्री वेकेंसीज़ हैं ये सारी की सारी एंड यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास मास्टर्स डिग्री फिज़िक्स डिपार्टमेंट में फ़ोरेंसिक साइंस में इनमें से किसी भी एक में अगर आपके पास है एंड साथ फोरेंसिक साइंस या फ़िज़िक्स में आपका ग्रेजुएशन लेवल पर इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए इसके साथ साथ थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर इस वाली फील्ड में जो आपके पास अगर डॉक्टरेट डिग्री है तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर टोटल इतनी सारी वैकेंसीज थी जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं लेकिन वो फोरेंसिक साइंस फील्ड में नहीं है तो अगर आप चाहते हैं इनके बारे में देखना तो आपके लिए साथ में ये पी शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर पे, फेसबुक पेज पर पे, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं एंड इसके साथ साथ बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं तो अगर आप चाहें तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा मैंने यहाँ पर स्पेशली फोरेंसिक साइंस लैब में वैकेंसीज़ बताई हैं तो आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फिर अगर हम इनके लास्ट डेट की बात करें तो जो इनकी जो लास्ट डेट है वो थर्टीथ अगस्त से थर्टीन अगस्त तक आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है एंड इसके अलावा जो प्रिंटिंग की लास्ट डेट है तो वो आपकी फोर्टीनथ अगस्त से फोर्टीन अगस्त तक आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट वगैरह लेके रख लेना है तो वो आपकी लास्ट डेट है लास्ट डेट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेगा क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं फोरेंसिक्स साइंस की फील्ड में एंड इसलिए जो भी वैकेंसीज आई हैं तो उनके लिए टाइमली जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा बिल्कुल टाइम का ध्यान रखिएगा थर्टींथ ऑगस्ट इज द लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वैकेंसीज ठीक है इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी आप ओ... जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी आप जब अप्लाई करेंगे इस फील्ड के लिए तो वहाँ पर जितनी भी आपसे वैकेंसीज के साथ साथ जितना भी आपसे जो भी आपसे फिल करवाएंगे उस फॉर्म में तो वहाँ पर जितनी भी आपने डिटेल्स डालेंगे तो उनकी बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जैसे कि आप इन दोनों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि जितनी भी आप डिटेल्स डालेंगे तो उसकी बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड उन्हीं शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो इंटरव्यू की डेट होगी वो उनको इंटीमेट मतलब उनके खुद की सेपरेटली उनको बता दी जाएगी जो भी उनकी मेल आईडी या फिर जिस तरह से भी वो चाहेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को उस तरह से बुलाया जाएगा तो इसलिए जितनी भी आप अपनी डिटेल्स डालेंगे उनका बहुत ही ख़ास ख्याल रखेंगे बिल्कुल सही सही उसमें फ़िल करेंगे ठीक है फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने ये वेबसाइट दे रखी है तो इस वेबसाइट से जाकर आप अपनी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये वाली जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी ठीक है तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इस पोस्ट के लिए पूरा डिटेल्स देख सकते हैं एंड इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके अलावा जो एज का रिलैक्सेशन है वो एस सी के लिए फाइव इयर्स का है एंड थ्री इयर्स का है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो ये भी आप अपना देख लीजिएगा कि आपकी एज क्या है एंड वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पूरी पीडीएफ में इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ठीक है इसके अलावा यहाँ पर फिजिकली हैंडी कैप्ट कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस तो वो सारी की सारी हम सेपरेटली पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी ट्वेंटी फ़ाइव रुपीज़ है एंड इसके अलावा जो भी आपके एस सी एस टी के कैंडिडेट्स हैं फिजिकली हैंडी कैप्ड हैं या फिर जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई भी फी फीस का पेमेंट नहीं करना है वो सारे के सारे एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम फ़ी ठीक है तो ये चीज़ें हैं इसके अलावा जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं ओ बी सी हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं मेल कैंडिडेट्स हैं तो उन सभी को ये फ़ीस का फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी ठीक है अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है तो आप ये देख सकते हैं अगर आपके लिए एलिजिबल हो आपके लिए ये काम का हो तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है एंड इसके अलावा यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है तो वो भी यहाँ पर दे रखा है कि किस किस तरह से अप्लाई करना है एंड सारी की सारी डिटेल्स फ़िल करने के बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम के जैसा कुछ भी दे नहीं रखा है किसी तरह का एग्ज़ाम होगा ऐसा इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके अलावा जो आपकी ईमेल रहेगी तो आई थिंक वहीं पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जैसे कि यहाँ पर दे रखा है तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर दे रखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज करेस्पॉन्डेंस विल बी मेड बाई द कमीशन थ्रू ई मेल ओनली इंटरव्यू शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू कापीज ऑफ सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम्स मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ई मेल्ड इन ड्यू कोर्स टू द कैंडिडेट्स इन दियर रजिस्टर्ड ई मेल आई डी एंड विल ऑल्सो बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ठीक है तो ये हो गया इसके अलावा जवाब डॉक्यूमेंट इंटरव्यू के लिए जाएंगे जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं तो वो भी यहाँ पर पूरा दे रखा है डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं सर्टिफिकेट्स क्या लेकर जाने है तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पर आपसे टेंथ का मार्कशीट मांगी गई है इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स डिग्री जितनी भी आपके पास है तो वो सारी चीज़ें आप ले कर जाएँगे जितने सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं वो सभी आप लेके जाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे अगर आप फिज़िकली हैंडी कैप्ड है तो उसका जो भी सर्टिफिकेट होगा तो वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है एस सी एस टी ओ बी सी वाले जो हैं तो वो सारे के सारे उनको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेके जानी होंगी तो आप इसको प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पर लेकर जानी है एंड जिस भी फील्ड के लिए आप एप्लीकेबल हैं जिस भी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उस पोस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा डेट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा थर्टीन ऑगस्ट इज़ द दे लास्ट डेट एंड वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनके पास एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उसको आप देख लेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको एक्सपीरियंस गेन करना है एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में आप इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा टू थ्री फोर फाइव जितना भी इयर्स का आपसे मांगा जाता है वैकेंसीज़ के लिए तो वहाँ पर आप एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में आप भी इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में तो इसलिए वाला वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है ठीक है तो यहाँ पर ये था पूरी ओवरऑल वैकेंसीज़ के बारे में जो कि यूपीएससी के थ्रू निकाली गई हैं एफएसएल दिल्ली में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स की बहुत सारी ब्रांचेस में एंड ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा मुझे ऐसा लगता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको ज़रूर से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में जॉब नोटिफिकेशनस मिलती रहती हैं इसके अलावा बहुत सारे से रिलेटेड वीडियो नेट जे के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस मिलते हैं ठीक है तो ये वाला वीडियो आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर